लोग खड़े क्यों बैठे ना, और तुम मेरे पास आके बैठो। थैंक यू। इतनी प्यारी है माशाल्लाह। शरजीत मुझे तुम्हारी तस्वीरें दिखाता था, लेकिन तुम तो तस्वीरों से भी ज्यादा प्यारी हो। थैंक यू। मेरा आप लोगों से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, बस बीमारी की वजह से आना नहीं हुआ। बेबी भी बहुत हाई है और शुगर भी कंट्रोल में नहीं है, वरना मैं खुद चलकर आपके घर आती। कोई बात नहीं, जब आपकी तबीयत ठीक हो तब आ जाइएगा। हम लोगों को तो बहुत शौक हो रहा था आपसे मिलने का। असल बच्चों की बात तो और है, लेकिन बड़ों में भी रابطہ होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शर्जील की पसंद पे मुझे पूरा भरोसा है, और अल्लाह ने तो मुझे बेटी दे दी है। आप शर्जील के वालिद नजर नहीं आ रहे। जी वो दरअसल स्टोर पर गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। आपसे मिलने के बाद महसूस ही नहीं हो रहा कि हम लोग यहाँ पहली बार आए। शर्जील अक्सर आपका जिक्र करता था, मुझे तो बहुत इश्तियाक था आपसे मिलने का। मैंने भी शर्जील से कई बार कहा कि आप लोगों को खाने पे बुलाए, लेकिन कहता था कि आयजा के एग्जाम खत्म हो जाए तो फिर एक ही बार मुलाकात कर लीजिएगा। फ्यूचर का क्या प्रोग्राम है? जी बस हायर स्टडीज के लिए बाहर अप्लाई किया। बहुत अच्छी बात है, बाहर की डिग्री की पाकिस्तान में बहुत अहमियत है। बस जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बैठिए बैठिए। वो ये आयदा के पेरेंट्स हैं। अच्छा वो अच्छा अच्छा ये आयजा है। अच्छा आंटी ये सब आपने खुद बनाया? खा के बताओ कैसे बने। एक बात बताऊं, हम भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। वाओ, आपके घर में कोई मुलाजमा नहीं है, आप सारा काम खुद करती हैं? अब जी आंटी वो दरअसल अबू शर्जील के अबू को किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ही खाना बनाती हूँ। और घर की सफाई का क्या है, एक दफा कर लो तो घर साफ रहता है। हमारे घर में कौन से छोटे बच्चे हैं? मक्कल आप कुछ ले ना। बेटे तुम्हारे अबू आ जाए ना। अब जी बस आ ही रहे होंगे, आप लें। आइए आइए सुल्तान साहब। आपने बिला वजह इतना तकल्लुफ किया, ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? जी वो हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी है? सब कुछ एक ही दिन में बना लिया। वो मेहमान थे ना, तो इसलिए। ठीक है मेहमान है सारा आंखों पे, लेकिन मैंने पूरे महीने का खर्चा तुम्हें कल ही ला के दिया था, मुझे लगता है एक ही दिन में उड़ा दिया है सारा। क्या जरूरत थी ये सब कुछ बनाने की, मेहमान इतना खाएंगे क्या? देखने रही हो माशाल्लाह स्मार्ट लोग हैं, हर किसी को अपनी तरह समझती हो, जैसे तुम खाती हो वैसे ही खाएंगे सब। ऐसे नहीं होता है भाई। पर ये देखो, ये अब आप खुद बताइए सर, ये 1 2 3 4 5 6 शामी के बाद 5 लोग हैं हम, 2 आप हैं और 2 हम, 4 5, इसको तो ब्लड प्रेशर है, ये तो खा ही नहीं सकती। ये रखो जाके, रखो अंडा वंडा नहीं मिलेगा, कल नाश्ते के साथ कबाब ही खा लेंगे। आप लोग तो लीजिए ना हुजूर, अब आप लोगों के लिए ही इतना एहतमाम किया है, तो आप भी नहीं खाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा इस एहतमाम का। लीजिए ये बोटी खाओ, बोटी खाओ, टांग की बोटी खाओ। लो तुम भी लो, बनाए हैं तो लो, ले सर ले। आज तो अबू ने हद ही कर दी है, कितनी शर्मिंदगी हो रही थी मुझे फायदा के घर वालों के सामने, क्या सोच रहे होंगे वो लोग हमारे बारे में। अरे बेटा तुम्हारे अब्बू की तो आदत ही ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं घर में कोई मेहमान नहीं बुलाती हूँ। रहने दे अम्मी, पूरे खानदान में अब्बू की कंजूसी मशहूर है, इसीलिए कोई हमारे घर नहीं आता। अच्छा छोड़ो ना, अब तुम्हारे अब्बू की आदत को तो हम नहीं बदल सकते ना, तुम क्यों अपना खून जला रहे हो। जो भी हो अम्मी, वो लोग पहली बार हमारे घर आए थे, एटलीस्ट मेहमानों का तो लिहाज करना चाहिए। अब्बू की इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी सैलरी है, सालाना फंड्स मिलते, बोनस मिलते, लेकिन उनकी कंजूसी आज तक खत्म नहीं हुई। बचपन से लेकर आज तक हम लोग अपनी जरूरियात के लिए तरसते हैं, और आज फायदा के घर वालों के सामने भी। तुम गुस्सा मत करो, मैं फोन करके उनसे माजरत कर लूंगी। हाथ का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं बेटा, इतनी तो गोलियां खा रही हूँ,
आराम हो के ही नहीं दे रहा है। मैंने आपको कितनी बार कहा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टरों के मुंह देखे तुमने, कितने खुले हुए, इतनी इतनी फीस लेते हैं, सारे पैसे मेरे ऊपर ही लग जाएंगे। चलो ठीक है, आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं, प्रेस करें, मैं आपका हाथ दबा देता हूँ। अल्लाह इसी नेक वाला सबको दे। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आपको मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब है, क्या कर दिया मैंने? वो कोई आम मेहमान नहीं थे, आप अच्छी तरह जानते हैं शर्जील आयजा को पसंद करता है। हाँ आपको अच्छा है, आयजा अच्छी लड़की है, मुझे अच्छी लगी, मुझे उसे बहू बनाने में कोई मसला नहीं है। हाँ तो आपको मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, उन्होंने कौन सा सारा कुछ खा जाना था, फ्रिज में तो हम बाद में भी रख सकते थे। तो ये तो तुम्हारी गलती हुई ना, इतनी फजूल खर्ची की क्या जरूरत थी, बहुत मेहनत से पैसा कमाता हूँ मैं। देखिए सुल्तान, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं और इंसान तो अपनी हैसियत से बढ़ के उनके लिए करता है ना, और हमारे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, अगर मैंने एक दो चीजें ज्यादा बना दी थी तो कौन सा हर्ज था। अच्छा बस बस, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उन्हें कुछ बगैर खिलाए पिलाए भेज दिया, वो क्या यहाँ से भूखे गए थे, सबने पेट भर के खाया है, और फिर जब एक चीज से पेट भर सकता है तो इतनी ज्यादा चीजें बनाने की जरूरत क्या है। तुम माँ बेटे को ना पैसे की बिल्कुल कदर ही नहीं है, वो कभी कोई नहीं है तुम्हारी नजर में। दिले शिकवे सुन लो बस। देख लो आजा बेटा, वहां रहना इतना आसान नहीं होगा। शर्जील की वालदा तो बहुत मिलनसार खातून है, लेकिन उनके वालिद भाई वो मुझे समझ नहीं आए, भला कोई मेहमानों को भी गिन गिन कर खाना देता है। तुम्हारी वालदा ठीक कह रही है बेटा, इस सुल्तान जैसा कंजूस आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, अपने घर में जो मर्जी करे लेकिन मेहमानों का तो कुछ ख्याल करे ना। लेकिन अब्बा, शर्जील अपने बाबा से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। शर्जील के मोहल्ले में मेरा एक दोस्त रहता है, वो बता रहा था कि सुल्तान की कंजूसी खानदान में ही नहीं पूरे मोहल्ले में मशहूर है। हाँ मुझे तो हैरत हो रही है, इतने बड़े घर का काम फरीदा अकेले करती है और उनके घर में कोई मुलाजिम भी नहीं है। शर्जील ने मुझे बताया था कि उसके बाबा की सरकारी नौकरी है, काफी अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं, वो आराम से मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। अरे बेटा, जो इंसान मेहमानों के सामने से डिशे उठा ले खाने की कि कल काम आएंगे, वो मुलाजिम क्या रखेगा। भाई हिम्मत है शर्जील की माँ की कि इस जैसे कंजूस इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही है। वैसे ये तो आप सही कह रहे हैं, फरीदा आंटी बहुत साबिर है। शर्जील ने मुझे अपने घर के माहौल के बारे में बताया तो था, लेकिन उसके बाबा कंजूसी में इस हद तक पहुंच जाएंगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। देख लो मेरा बेटा, अच्छी तरह सोच लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है, शादी के बाद तुम्हें उसी घर में रहना है ना। मैंने और तुम्हारे बाबा ने हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, शर्जील के मामले में भी हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बेटा ऐसे घर में रहना जहाँ सिसक सिसक के जिंदगी गुजारना पड़े, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को कुर्बान करना पड़े, आसान नहीं हो तवा रहना, बहुत सब्र और हौसले का काम है, तुम ये सब कर पाओगे। सोच लो बेटा, अच्छी तरह सोच लो। नौ सौ पचहत्तर
शर्जील। जी अबू, आपने बुलाया था? तुम्हें कल मैंने पैसे दिए थे बिल जमा करवाने के लिए। जी जी, वो मैंने करवा दिया था। ये बिल रहा आपका और ये रहे आपके बकाया पैसे। अच्छा, तुम्हें मैंने 5,000 रुपया दिया था, बाकी पैसे कहाँ हैं? बाकी पैसे तो दिए आपको। ओ भाई, बिल था 3,575 रुपए, तुम मुझे 225 रुपए कम वापस कर रहे हो। वो क्या वो? ये एक मिनट अबू, याद करने दें। हाँ, वो बन कबाब खा लिया था मैंने। क्यों, घर में खाना नहीं बना था? भूख लग गई थी अबू। भूख लगी थी तो घर का? फरीदा, ओ फरीदा। जी। कल दोपहर को कुछ नहीं पकाया था? बनाया था। क्या हो गया अबू, मुझे भूख लगी, रास्ते में मैंने एक बन कबाब लेकर खा लिया। आप तो मुझसे ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। इतनी तफ्तीश तो पुलिस मुजरिम से नहीं करती जितनी आप मुझसे कर रहे हैं। अरे करना पड़ता है, इसलिए मैं भी करता हूँ। मैं तो एक एक पैसे का हिसाब रखता हूँ। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पता नहीं क्या हो गया है, किसी भी काम को हाथ लगाती हूँ तो सांस फूल जाता है। बहुत दर्द हो रही है। काम भी तो इतना करती हैं। अबू, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, आप एक काम करें, इनके लिए कोई हेल्पर रख दें। क्यों भाई, हेल्पर की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, आजकल की मासियां 10,000-10,000 रुपए थोड़े थोड़े काम के लेती हैं। तो क्या होता है, और वैसे भी पैसा अम्मी की जिंदगी से बढ़कर है क्या? बेटा, जब खुद कमाई करोगे ना तब पता चलेगा तुम्हें। और वैसे भी जरूरत क्या है? अच्छा है, काम काज करती है, हिलती जुलती है, हाथ पांव चलते हैं। बिस्तर पे लेट जाओ तो फिर बिस्तर पे ही लेट गया बंदा। ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। आंटी की तबीयत कैसी है अब? तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं कल उनका चेकअप करवाने भी लेकर गया था, कुछ मेडिसिन भी उनको दी, मगर कुछ खास फर्क नहीं आ रहा। शर्जील, मैं तुम्हें पहले भी कहा था, उनको किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, काफी दिनों से उनकी तबीयत खराब है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं बात करूंगा अबू से। और तुम्हारे बाहर जाने का क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कई बार अबू से बात की मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, वो इतने पैसे नहीं खर्चना चाहते। अरे उन्हें समझाओ ना, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, कल को तुम ही उनका सहारा बनोगे। उनको कोई नहीं समझा सकता। बहरहाल मैंने सोचा कि कोई जॉब स्टार्ट कर दूं। ऐसे तो तुम्हारा सारा स्टडी से फोकस हट जाएगा। तुम्हें याद है सर इनायत ने क्या कहा था? तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अगर तुम पढ़ाई पर इसी तरह फोकस करते रहोगे तो पूरी यूनिवर्सिटी, तो क्या पूरे मुल्क का नाम रोशन कर सकते हो। आयदा, मेरी कुछ मजबूरियां, मैं हर छोटी जरूरत के लिए अबू के आगे हाथ फैलाता हूँ। वो गिन गिन कर पैसे देते हैं और कभी कभार तो मेरी जरूरियात पूरी भी नहीं करते। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छी सी जॉब शुरू कर लूँ ताकि एटलीस्ट अम्मी और मेरा खर्चा तो शुरू हो जाए। लेकिन तुम्हारी स्टडीज, तुम्हारे ख्वाब? देखूंगा, साथ साथ जॉब के स्टडीज भी कंटिन्यू कर लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम कहो तो मैं अबू से बात करूँ, उनके ऑफिस में शायद एक दो वैकेंसीज हों। हाँ हाँ, तुम कर लो, लेकिन इस जॉब के लिए मैं अप्लाई करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे ये जॉब सिफारिश में मिले, बल्कि मैं अपनी काबिलियत पर ये जॉब हासिल करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी यही बात तो सबसे अच्छी लगती। ठीक है, मैं अबू से बात करके तुम्हें बताती हूँ। थैंक यू। अच्छा, वो अम्मी कह रही थी कि उनकी एक बार तबीयत ठीक हो जाए तो वो तुम्हारे घर आएंगे हमारी शादी की बात करने। शर्जील, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो आयदा? शर्जील देखो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी इन्हीं अच्छाइयों की वजह से तो मैं तुम्हें पसंद करती थी,
लेकिन तुम्हारे घर का माहौल, स्पेशली तुम्हारे अब्बू, मैं उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तुम और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे। तुम परेशान नहीं हो शिर जी, मैं आयशा को समझाऊंगी, उसे बताऊंगी। मेरे बेटे से अच्छा लाइफ पार्टनर तो उसे मिल ही नहीं सकता। ये सब कुछ अब्बू की वजह से हुआ। अब्बू की वजह से हमें सबने छोड़ दिया, पहले रिश्तेदारों ने, फिर मोहल्ले वालों ने, और अब आयशा ने भी। तुम परेशान नहीं हो शिर जी, मैं इशरत बहन से बात करूंगी, वो आयशा को समझाएंगी। इसका कोई फायदा नहीं, और आयशा को इधर आकर मिलता भी क्या? बहुत अच्छा फैसला था उसका। सारी जिंदगी आपने और मैंने रो रो कर गुजार दी, उसे भी इसी तरह आगे गुजारनी पड़ती। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? शरजील, बहुत दर्द हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, आप उठें। चले चले, उठे। कौन कहाँ जा रहा है भाई? अब्बू अम्मी की बड़ी तबीयत खराब है, आप यूं करें, मुझे चाबी दें, इनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत है, क्लिनिक लेके जाओ ना। क्लिनिक बहुत बार दिखा चुके हैं लेकिन अम्मी को फर्क नहीं पड़ा। एक बार बड़े हॉस्पिटल दिखा देंगे तो एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा इनको बीमारी क्या है। वहाँ क्या पता चलेगा प्रॉब्लम का? बड़े अस्पताल वाले क्या करते हैं, डॉक्टर जो है वो सिर्फ अपनी फीस बटोरते हैं। दिखाने में क्या हर्ज है, आप एक काम करें, चाबी दें और चले। अब्बू आप खड़े क्यों हैं, जाकर गाड़ी निकालें, मैं इनको लेकर आ रहा हूँ। ले चलो चलो, आओ आओ निकालते हैं गाड़ी, गिर थोड़ा ही रही है यार। हौसला करो हौसला करो, ये भी खर्चा है एक। अब्बू वो 10,000 रुपये चाहिए। किस लिए चाहिए भी 10,000 रुपये? जब से अस्पताल में आए हैं पानी की तरह पैसा लग रहा। डॉक्टर ने कहा मुझे कुछ और टेस्ट करवाने हैं। अभी तो करवाया है टेस्ट, 30,000 रुपये लेके गए हो, उसमें कितने टेस्ट हुए? कुछ पहले टेस्ट करवाए थे, उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई, इसलिए उन्होंने कहा एक और टेस्ट करवाएं, ताकि उनको पता तो चले करना क्या है। रिपोर्ट फिर उसकी ठीक नहीं आएगी, फिर और टेस्ट लिख के दे देंगे। कोई नहीं जरूरत टेस्ट वेस्ट करवाने की, बस बहुत हो गया। आप कैसी बातें कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, बात को समझें। अभी तो मैं मिलके आया हूँ, बिल्कुल ठीक से बात कर रही है, उसका तो अब दर्द भी खत्म हो गया। तुम्ही को पेन किलर का इंजेक्शन दिया गया था, इसलिए उनका दर्द ठीक हो गया है। वो कह रहे हैं एक और टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। अब भाई एक टेस्ट और करवाओगे, 10 और लिख के दे देंगे, डॉक्टरों का तो काम ही है ये। अपनी माँ से कहो घर चले। कोई नहीं, हमने यहाँ पे इलाज विलाज करवाना, मोहल्ला का डॉक्टर बेहतरीन है, उसको दिखा देंगे। लेकिन अब्बू डॉक्टर, तुम्हें अपने बाप की बात समझ में नहीं आ रही? डॉक्टर छोड़ो तुम, डॉक्टर डॉक्टर चलो आओ। अब्बू मेरी बात तो सुन ले। हेलो, चलो उठो भाई, सामान समेटो, चलो घर चलना। वो मैं डॉक्टर से तो पूछ लूं। एक मिनट, डॉक्टर से क्या पूछना है, तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। ठीक हो ना, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, दर्द नहीं हो रहा मुझे। सुन लिया तुमने, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर का क्या है, उससे पूछोगे तो उसने क्या कहना है? उसने कहना नहीं अभी 2-4 दिन और, उनके तो पैसे बनते हैं। चलो उठाओ सामान समेटो, मैं जा रहा हूँ वो बिल वगैरह क्लियर करने के लिए। पता नहीं बिल कितना बन गया होगा यार, जब से तुम अस्पताल में आई हो पैसा तो ऐसे खर्च हो रहा है, वही तो चक्कर आ गए यार, कमाल है। चलो बेटा मुझे घर ले चलो, मुझे भी घर की बड़ी याद आ रही है। उठे चलो, देख कर बेटा मेरी शॉल दो। सुल्तान, सुल्तान मुझे बहुत दर्द हो रही है। क्या मुसीबत है यार, इंसान इत्मीनान से बैठ भी नहीं सकता। सुल्तान मुझे सांस भी नहीं आ रहा है। अरे भाई डॉक्टर ने दवाएं दी थी ना तुम्हें, खा लो ठीक हो जाओगी। खुदा के लिए मुझे अस्पताल ले चले,
भाई कुछ देर के लिए बाहर लॉन में चली जाओ ना, जरा खुली हवा में बैठो। मुझे लगता है गर्मी की वजह से तुम्हारी घबराहट हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा सुल्तान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम्हारी दवाई कहाँ रखी है? मैं देता हूँ दवा तुम्हें। किसी सांस नहीं ली जा रही है, मुझे अस्पताल ले जाए। एक तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को ना हॉस्पिटल जाने का बड़ा शौक है, जरा सी बात हो हॉस्पिटल ले जाओ। और बाबा अभी 30,000 रुपए के टेस्ट करवाए हैं तुम्हारे, और फिर दवाएं, फिर खाना पीना, पेट्रोल का खर्चा, कुल मिला के 50,000 रुपए खर्च हो गए। तबीयत तुम्हारी फिर वैसी की वैसी है, तो फायदा क्या हुआ? फिर अस्पताल चले, अस्पताल चले। सुल्तान दवाएं देता हूँ भाई तुम्हारी। सुल्तान फरीदा, ओ फरीदा, 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 शर्जील, शर्जील, परेशान नहीं हो बेटा, तुम्हारी माँ इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब अपनी कैसी, हम मिल सकते हैं? डॉक्टर साहब आप खामोश क्यों, बताएं मिल सकते हैं, अम्मी कैसी हैं? हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम आपकी वालदा को नहीं बचा सके। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। आप जबरदस्ती पेशेंट को यहाँ से ले गए थे, उनकी तबीयत भी सही नहीं थी और रिपोर्ट्स भी सही नहीं आई। हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, अगर आप हमारी बात मान लेते तो शायद शायद आपको ये दिन देखना ना पड़ता। शर्जील कहाँ जा रहे हो? अब इस घर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मैंने अपनी माँ को आपकी वजह से खो दिया। मगर आपको तो इस बात का दुख नहीं होगा क्योंकि आपको तो हमेशा से मेरी माँ से ज्यादा अपनी दौलत अजीज थी ना, अपना पैसा अजीज था। बकवास कर रहे हो तुम, तो मुझे क्या पता था कि तुम्हारी माँ मर जाएगी? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, डॉक्टर ने आपको बताया था कि उनकी रिपोर्ट्स गलत आई है लेकिन आपने जानबूझकर उनको घर लिया ताकि आपके पैसे बच जाएं। किस काम की ये दौलत, किस काम का ये पैसा जो आपके बीवी बच्चों के काम ना आ सके? तड़प तड़प कर मर गई मेरी माँ लेकिन आपने उनका इलाज नहीं करवाया। खामखा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे, मैंने कुछ नहीं किया, इतना पैसा तो लगाया तुम्हारी माँ पे, अब नहीं बची तो नहीं बची, जिंदगी मौत मेरे इख्तियार में नहीं है भाई, अल्लाह के इख्तियार में है। उसने जाना था सो चली गई। अल्लाह याद है आपको, कुछ तो यकीन ही नहीं आ रहा। अल्लाह ने तो अपने इंसानों को ये हुक्म दिया कि वो जो दौलत हमें देता है हम अपने रिश्तेदारों पर खर्च करें, मगर आपने तो अल्लाह के हुक्म की भी नाफरमानी की है। सारी जिंदगी अपने बच्चों अपनी बीवी को तरसाते रहे उनकी जरूरियात के लिए, फिर आपको इतनी कंजूसी पसंद नहीं। बातें करना बहुत आसान होता है, जब खुद कमाओगे ना पैसा तब एहसास होगा कि खून पसीने की कमाई को ऐसे खर्च नहीं किया जाता। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे अब्बू, आपको तो अभी तक एहसास नहीं, और हमने आपसे कौन सा कोई बेजा ख्वाहिशें कर दी थी, कभी जरूरत से ज्यादा आपसे मांगा नहीं। अल्लाह ताला तो खुद सूरत फुरकान में फरमाता है कि वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना हक से बढ़ते हैं और ना ही तंगी करते हैं, इन लोगों के दरमियान एतदाल से रहते हैं।
आपको देखे, मेरे रब ने म्याना रवि का हुक्म दिया कंजूसी का नहीं, लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे। जा रहा हूं मैं आपका ये घर छोड़कर, रहे आप इसमें अकेले। मुबारक हो आपको अपनी ये दौलत का मेहर, क्योंकि आपने ना हमेशा दौलत को अहमियत दी है, रिश्तों को नहीं। जाओ जाओ यहां से, चार दिन खुद करके खाना पड़ेगा ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे। मुझे क्या परवाह है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पैसा है, पैसा पैसा जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरे पास वो है पैसा। जा रहा हूं। अब मेरा कोई फालतू पैसा खर्च नहीं हो सकता। क्या फायदा है ऐसी दौलत का, इंसान को दौलत से इतना भी प्यार नहीं होना चाहिए और ना ही सुल्तान की तरह कंजूस होना चाहिए कि आज उसकी अपनी औलाद तंग आकर उसे छोड़ के चली गई। तुमने उनके बेटे को फोन किया? उसका तो नंबर ही बंद है, अपने किसी दोस्त के घर में उसके साथ रह रहा था, वहां मालूम करवाया तो पता चला कि मुल्क से बाहर चला गया। अब आपको तो पता ही है कि कोरोना की वजह से फ्लाइट्स बंद है, अब फ्लाइट्स खुलेंगी तो ही वापस आएगा। इस कब्र को देखते ना, लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए। क्या फायदा कंजूसी करने का, सारी जिंदगी दौलत कमाते और देखो क्या साथ लेके जाते। अरे इंसान को खाली हाथ जाना है, यही दौलत अगर अपनी औलाद और बीवी पे खर्च की होती ना तो उनके हुकूक अदा हुए होते, कम से कम बेटा बाप को कांदा तो देता। ठीक ही कह रहे हैं आप, तकफीन का इंतजाम भी फलाही दारे ने किया है, हम तो मोहल्लेदार थे, जनाजे में शामिल हो गए। बस अल्लाह इन फलाही दारों का भला करे। चल